अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजी बी आवर फ्रेंड। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज, जोरदार एक्शन सीन देख झूम उठे फैंस। रोहित शेट्टी की एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। सीरीज के कलाकारों का लुक जारी होने के बाद मेकर्स ने फैंस को खास ऑफर देते हुए हाल ही में इसका टीजर भी रिलीज कर दिया था। टीजर को देख फैंस का उत्साह तो सातवें आसमान पर है। अब मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। रोहित शेट्टी बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्म निर्माताओं में से एक है। वो सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। निर्देशक अब सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय अभिनीत एक्शन कॉप वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के साथ OTT में अपना कदम रख रहे हैं। हाल ही में इसके निर्माताओं ने इसका बहुप्रतीक्षित ट्रेलर इंटरनेट पर जारी किया है। इंडियन पुलिस फोर्स का ये ट्रेलर रोमांचक संवादों और एक्शन से भरपूर दृश्यों से भरा है, जिसमें अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय शामिल है। ये दिल्ली के तीन पुलिस कर्मियों की कहानी है, जो शक्तिशाली आपराधिक ताकतों के साथ आमने सामने है। ट्रेलर में रोहित शेट्टी के ट्रेडमार्क कारों के दुर्घटनाग्रस्त होने और हवा में उड़ने के साथ साथ गोलियों की ताबड़तोड़ बारिश है और तड़तड़ाहट की सीन भी है। कुल मिलाकर ये ट्रेलर दर्शकों में उत्साह पैदा करने में कामयाब है। इंडियन पुलिस फोर्स का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर विशेष रूप से होने वाला है। सिद्धार्थ की आखिरी फिल्म रश्मिका मंदाना के साथ जासूसी थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू थी। फिल्म को मिले जुली आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। इंडियन पुलिस फोर्स के अलावा वो अगली बार राशि खन्ना और दिशा पाटनी के साथ योद्धा में दिखाई देंगे। ये फिल्म इसी साल मार्च में रिलीज होगी। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा
समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर संगम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वही शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है। शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकार भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं, और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर कांप मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकर टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। Thank you.
जुटे फैंस। रोहित शेट्टी की एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। सीरीज के कलाकारों का लुक जारी होने के बाद मेकर्स ने फैंस को खास तोहफा देते हुए हाल ही में इसका टीजर भी रिलीज कर दिया था। टीजर को देख फैंस का उत्साह तो सातवें आसमान पर है। अब मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। रोहित शेट्टी बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्म निर्माताओं में से एक है। वो सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। निर्देशक अब सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय अभिनीत एक्शन कॉप वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के साथ OTT में अपना कदम रख रहे हैं। हाल ही में इसके निर्माताओं ने इसका बहुप्रतीक्षित ट्रेलर इंटरनेट पर जारी किया है। इंडियन पुलिस फोर्स का ये ट्रेलर रोमांचक संवादों और एक्शन से भरपूर दृश्य से भरा है जिसमें अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय शामिल है। ये दिल्ली के 3 पुलिस कर्मियों की कहानी है जो शक्तिशाली आपराधिक ताकतों के साथ आमने सामने है। ट्रेलर में रोहित शेट्टी के ट्रेडमार्क कारों के दुर्घटनाग्रस्त होने और हवा में उड़ने के साथ साथ गोलियों की ताबड़तोड़ बारिश है और तड़तड़ाहट की सीन भी है। कुल मिलाकर ये ट्रेलर दर्शकों में उत्साह पैदा करने में कामयाब है। इंडियन पुलिस फोर्स का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर विशेष रूप से होने वाला है। सिद्धार्थ की आखिरी फिल्म रश्मिका मंदाना के साथ जासूसी थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू थी। फिल्म को मिले जुली आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। इंडियन पुलिस फोर्स के अलावा वो अगली बार राशि खन्ना और दिशा पाटनी के साथ योद्धा में दिखाई देंगे। ये फिल्म इसी साल मार्च में रिलीज होगी। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वही शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबेरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपनी डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है। शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबेरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकार भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में
मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर कांप मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकर टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को Amazon प्राइम वीडियो पर होने वाला है। And how will it be received by the audiences and fans? They've already given us a glimpse. Starting with you, Aparna. Wish you all a very happy new year. I just wanted to start by saying how many people can boast of Rohit Shetty debuting with them? Yeah! What an honor it has been. Thank you so much, Rohit sir, for being on this journey with us and helping us take the biggest action extravaganza to our audiences. We are really excited that this year is starting on such a dhamaka, and the fervor, the excitement, the anticipation that's building up every day. We are absolutely certain that this show will resonate with audiences not just in India but across the world. So really, really super excited and really want to salute the force that's in front of the camera and behind the camera, the stellar cast and the absolutely incredibly amazing director Rohit Shetty. Thank you. Thank you so much. And I like the way you highlighted Dhamaka. We're looking forward to it. So Shanti, your thoughts? I think Aparna said it best. First of all, I think this is a great way to start the year for our audiences. And I think there's been quite a bit of buzz and excitement around Indian Police Force. And we are thrilled that today we get to share a little sneak peek. And I don't want to give away too much. So all I want to say is I think this is going to be everything that audiences have come to expect from the masterclass that is Rohit sir, and that audiences have come to expect from the House of Prime Video. It's going to be everything that everybody has expected it to be, and it's probably going to be more than that as well. So, yeah, 19 January. And, you know, we are audiences, always hungry for more. Rohit sir, before your thoughts, sabse pehle aapko congratulate karna chahunga as you've been recently announced as the ambassador by Mumbai Police. So let's have a huge round of applause. It's an honor. Your thoughts, what can the audiences expect from Indian Police Force? I think the promo says it all. जो एक रोहित शेट्टी फिल्म में होना चाहिए वो सब कुछ है इसमें. But OTT पे है obviously, but it's big and thanks to Aparna के she had that vision, I would say, when she came to me long time back. She had to wait for 5 years. I would say I was making Golmaal again that time, and it's a big budget show. If you see, like when I was making first, I was like, hey, यार web series कर रहे हैं. My scale is always big, action is always big. And she was like, you know, I promise you that you'll make this series as you make a film. And she kept up to her promise. That's why you can see these visuals. So thanks to her.
And thanks to these two kids sitting here, Sandeep and Anusha, they have written the show. Get up, it's okay, it's your day. So they have written the show. And one more guy I would like to call, I'm really proud. Kidhar hai, wo chupke baitha hai. Who has directed the show with me, Sushwant. He's, come here, come on stage. Come on. He was a kid when he came. And now he's... So he's directed the show with me, and there are many, all the kids are there. Sneha, get up, she's directed the songs. Vidhi has helped in directing the writing the dialogues, and Anua, she has tortured me for no reason. So yeah, so yes, many first timers who have worked with me as assistants have come. Raza, Girish, Sapnil, like the cinematographers, art director, everyone here. Naveen, I was always done the clothes. They are the main heroes. हम लोग तो बस कर लेते हैं काम. If they are not there, we can do, we cannot do the show. So it's all because of them. Himani, everyone, Banti Paji there. They've really worked hard. It's not easy to pull off 7 episodes. It's like making 4 films. हम तो मतलब we are the faces, so we'll be here. But the credit goes to them. And Shweta, Isha, Niketan, आप लोग उधर क्यों आ जाओ? क्योंकि वो बहुत time waste हो गए एक-एक करके बुलाने में. तो एक साथ सब आ जाओ. Come, please. देख श्वेता, तुझे रोज ना खाना लेकर आना पड़ेगा, तब अगले प्रोजेक्ट में आएगी. मैंने कहा सर मैं रोज लेकर आऊंगी, बट विदाउट खाना ही मुझे ले लिया अगले प्रोजेक्ट में. थैंक यू सो मच. विश यू द बेस्ट श्वेता. निकितिन, फॉर मी वर्किंग विद रोहित भाई इज कितना हो गया काम? 3 पिक्चर हो गया ना, चेन्नई एक्सप्रेस, सूर्यवंशी और IBF सर्कस. फॉर मी वर्किंग विद रोहित भाई इज जस्ट लाइक कमिंग होम. Like all of them have said, each one of them are my friends, not from now, but since Chennai Express. And I love him. And if he tells me, go stand there in the corner, yeah, then that's what you're doing. There's no questions asked. I remember I got a call for Suryavanshi. I went and met him and I said, sir, I'm doing it. He's like, nahi, tu sun le. And I was like, no, sir. It's enough. You know, because after Chennai Express, it was a long break. I actually went to his office one day. I said, sir, kuch problem hai mujhse, kuch galti ho gaya, aap bata dijiye, kuch improve karo. And he's like, no, I've done Tangabali with you, and if I ever do something, it'll be better. So, tere naam ka restaurant bhi hai. Kahan yahi? Usne bola free mere liye. Dadar mein Tangabali. Usne bola free khana bhi hai. Bola mere liye. Maatunga main. Jaake kha lo chupchap free mein. So yeah, I mean, when I got to know that I'm playing a cop in his universe, because I've seen the other side of it, it was absolutely exciting, and I couldn't have asked for something more. The way he presented me in Chennai Express is nearly 10 years now for the film, and people still remember it just like yesterday. So I know the magic he creates, and I, like in his words, mera ration card inki company ka, to idhar hi hu main, as long as I'm here. Your character does make an impression, man. Wish you the best. Awesome. Yeah. Thank you. ईशा, ये जो भी यूनिवर्स क्रिएट करेंगे मुझे काम करना है इनके साथ. मुझे बहुत मजा आया. इट गिव्स मी होप दैट देयर आर वंडरफुल पीपल टू वर्क विद, एंड आई रियली वांट टू वर्क विद हिम अगेन. आई डू, आई रियली डू. चलो हो गया ना. हां, थोड़े और सवाल हैं. अरे थोड़े, हां वी रिपीट. आई वाज रियली रियली जेलस. आई जस्ट वांट टू पुट माय टू बिट्स इन दैट. वी वर डिस्कसिंग बैकस्टेज ईशा एंड मी, एंड आई वाज लाइक आई एम सो जेलस. The only thing I regret not being part of is the songs in a Rohit Shetty movie. She got the songs. I was like, okay, I got the action, so theek hai, I'm fine. Yeah. There's always the next time. Yeah. Aparna, the next question is coming in for you from Titus from News 18. With Indian Police Force, Rohit Shetty, who is known for his big screen spectacles, is making his digital debut. How do you think this show, with its high octane action sequences and theatrical elements that are largely reserved for the big screen, changed the game for the OTT world? I mean, trailer spoke for itself. The kind of spectacle action that you've seen is only the tip of the iceberg. When you watch the show, I promise to you, you will be on the edge of your seats. And the way Rohit sir understands the pulse of the audiences, I don't think anybody else does. Like I said, just stay tuned for 19 Jan. We're looking forward to it. As you said, the trailer's done wonders, already impacted us and gripped us, and we can't wait. Next question coming in for Sushwant, and it Hi.
थोड़ी देर पहले जब मंच पर आए तो उन्होंने कहा मुझे स्पॉटलाइट पसंद नहीं है, पर आज आप स्पॉटलाइट में हो विद द डायरेक्टर. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अस दिस. एंड सुशवंत, सवाल आया है कि वी आर ऑल गोइंग टू वॉच इंडियन पुलिस फोर्स ऑन द 19th ऑफ जैन, दैट्स द फाइनल प्रोडक्ट. कुछ बिहाइंड द सीन इंटरेस्टिंग कहानी बताइए या चीजें बताइए. मेरे से डर लगता है, नहीं बोलना प्लीज. नहीं बस बिहाइंड द सीन्स इंटरेस्टिंग, द होल सीरीज वाज इंटरेस्टिंग. आई मीन एवरीथिंग वी डिड राइट फ्रॉम द गेट गो वाज अमेजिंग. वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग वाज इट. या बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कोई चीज, जैसे श्वेता ने कहा पेंसिल गिरी तो मुझे डांट पड़ती कि तुम्हारी वजह से गिरी, ऐसे कुछ. नहीं इट्स अ वेरी, इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर अस. इससे पहले बहुत I guess to get to here. The headmaster's husband? Even she's become a director in the company now. Yeah. So, we casting karna hai to Vidhi aur Sneha, main kuch nahi karta, ye do ladkiyan hain, ye yaad rakhna. Thank you. Shushanand, wishing you the best. Thank you so much. Thank you. Next question coming in for Rohit sir, it's from Abhimanyu from DNA. Your cop universe is known for its grand scale and enormous action set pieces. I'm pretty sure you've gone out and brought the same scale on OTT. How certain were you that there will be no compromise on that front, given the streaming platform is considered smaller than films? As I started when you asked this question before also, that I don't believe in whether it's television, whether it is streaming platform or cinema, anything is big or small. Kaam kaam hota hai. And again, I'm saying this credit goes to Aparna. When she came to me and I was like, hey, main chota series kaise banaunga, aapko action series banana hai, that has to be on a level of whatever films I have made. And she promised me that, and all this is because of them, Aparna and the whole team and Amazon. It's a big scale show, it's not easy. We can create something, but till the time we don't have support from them, we can't do that. So the credit goes to Amazon and Aparna. Yeah. Oh my God. And so for the content we've seen, you're always up for challenges, Aparna. And the last question, as you rightly said, thank you. Siddharth ke liye hai. Aapne bola, aapka hukum sir aankhon par. Siddharth ke liye sawal hai. Anand from Bollywood Hangama. For a new age star, after completing a decade since Student of the Year, is it a next big logical evolution to go in a larger than life zone like a cop universe? Wah. Matlab, haan. Intense. Very, detailed question, but I think it's the times we live in. People want to see something larger than life. People want to see something which is on a mega scale, on a large scale. And I think it just so happened that we were lucky that all of us came together in a Rohit Shetty show, which, and in the cop universe, which lends itself to a larger canvas. The film travels around India and a bit outside as well. The show travels around India and outside as well. So I think it's the audience leading us today to give them something little bigger, larger, grander, but at the comfort of their homes through Amazon Prime. So I think that combination makes itself to be very interesting today. And we're super excited and stoked to present our show on the 19th of January. So looking forward again. What Sid is not saying is that this guy looks awesome in uniform. No. It's all to the Rohit Shetty team and the costume department first do all the work and make it pristine and have every detail in place. All one had to do is come and just wear and I think it's a team effort. So thank you again for enjoying the trailer and looking forward to the show on the 19th. Correct. Thank you, Siddharth, and with all those combinations and you guys adding to it, it's going to make a deadly dhamakedar combination. Wishing you the best. Can we have the entire force for a nice photo op? And thank you. Request you to please stay. A nice photo op. Iske upar chale. Arde varte arde khalti Ashik. Indian Police Force ka trailer release, जोरदार action scene देख झूम उठे fans. रोहित शेट्टी की एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. सीरीज के कलाकारों का लुक जारी होने के बाद मेकर्स ने फैंस को खास ऑफर देते हुए हाल ही में इसका टीजर भी रिलीज कर दिया था. टीजर को देख फैंस का उत्साह तो सातवें आसमान पर है. अब मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है. रोहित शेट्टी बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्म निर्माताओं में से एक है. वो सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं.
निर्देशक अब सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय अभिनीत एक्शन कॉप वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के साथ OTT में अपना कदम रख रहे हैं। हाल ही में इसके निर्माताओं ने इसका बहुप्रतीक्षित ट्रेलर इंटरनेट पर जारी किया है। इंडियन पुलिस फोर्स का ये ट्रेलर रोमांचक संवादों और एक्शन से भरपूर दृश्यों से भरा है, जिसमें अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय शामिल है। ये दिल्ली के 3 पुलिस कर्मियों की कहानी है जो शक्तिशाली आपराधिक ताकतों के साथ आमने सामने है। ट्रेलर में रोहित शेट्टी के ट्रेडमार्क कारों के दुर्घटनाग्रस्त होने और हवा में उड़ने के साथ साथ गोलियों की ताबड़तोड़ बारिश है और तड़तड़ाहट की सीन भी है। कुल मिलाकर ये ट्रेलर दर्शकों में उत्साह पैदा करने में कामयाब है। इंडियन पुलिस फोर्स का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर विशेष रूप से होने वाला है। सिद्धार्थ की आखिरी फिल्म रश्मिका मंदाना के साथ जासूसी थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू थी। फिल्म को मिले जुली आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। इंडियन पुलिस फोर्स के अलावा वो अगली बार राशि खन्ना और दिशा पाटनी के साथ योद्धा में दिखाई देंगे। ये फिल्म इसी साल मार्च में रिलीज होगी। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले है। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर संघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वहीं शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबेरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है। शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबेरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकार भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में
हर काम मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकर टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को Amazon प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज, जोरदार एक्शन सीन देख झूम उठे फैंस। रोहित शेट्टी की एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। सीरीज के कलाकारों का लुक जारी होने के बाद मेकर्स ने फैंस को खास ऑफर देते हुए हाल ही में इसका टीजर भी रिलीज कर दिया था। टीजर को देख फैंस का उत्साह तो सातवें आसमान पर है। अब मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। रोहित शेट्टी बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्म निर्माताओं में से एक है। वो सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी जैसी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। निर्देशक अब सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय अभिनीत एक्शन कॉप वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के साथ OTT में अपना कदम रख रहे हैं। हाल ही में इसके निर्माताओं ने इसका बहुप्रतीक्षित ट्रेलर इंटरनेट पर जारी किया है। इंडियन पुलिस फोर्स का ये ट्रेलर रोमांचक संवादों और एक्शन से भरपूर दृश्य से भरा है जिसमें अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय शामिल है। ये दिल्ली के 3 पुलिस कर्मियों की कहानी है जो शक्तिशाली आपराधिक ताकतों के साथ आमने सामने है। ट्रेलर में रोहित शेट्टी के ट्रेडमार्क कारों के दुर्घटनाग्रस्त होने और हवा में उड़ने के साथ साथ गोलियों की ताबड़तोड़ बारिश है और तड़तड़ाहट की सीन भी है। कुल मिलाकर ये ट्रेलर दर्शकों में उत्साह पैदा करने में कामयाब है। इंडियन पुलिस फोर्स का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर विशेष रूप से होने वाला है। सिद्धार्थ की आखिरी फिल्म रश्मिका मंदाना के साथ जासूसी थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू थी। फिल्म को मिले जुली आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। इंडियन पुलिस फोर्स के अलावा वो अगली बार राशि खन्ना और दिशा पाटनी के साथ योद्धा में दिखाई देंगे। ये फिल्म इसी साल मार्च में रिलीज होगी। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर संघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे।
वही शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है। शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकार भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं, और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर कांप मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकर टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाज पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। Thank you.
मीडिया वाले हट जाओ आंटी हटो ना हाथ लग जाएगा आप लोग आए पीछे हो जाओ यहाँ से मैंने उनका गाड़ी अलग रे अरे मैडम सर का गाड़ी अलग पीछे रहो पीछे रहो आप लोग आगे मत जाओ आप लोग आगे मत जाओ आंटी हटो ना मेरे को कोई वीडियो हम लोग को नहीं मिल रहा है भाईजान ईरानी ए मत फॉलो करो क्या कर रहा है ए पीछे चल भाईजान प्लीज मेरे भी आ जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ हट जाओ गाड़ी लग जाएगी बेटा ऐसा हट जाओ ना अरे छोटा भाई भाई पीछे हो जाओ गाड़ी की गाड़ी से गाड़ी छोड़ के पीछे हो जाओ अरे गाड़ी छोड़ के पीछे हो जाओ आप जहाँ पे खड़े हो जाइए वही मार्क है आ रहे यार थर्ड मार्क पे भी आ रहे मैम राइट में मैम मीरा जी सेंटर में मैम इधर सॉरी मैम सॉरी मैम सॉरी अभी मैम इधर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बस बस मेरा फोन फोन दे दे राजन धनंजय राजन फोन दे भाई अरे धनंजय धनंजय के पास होगा हां सेंटर में तुम मेरे भाई रुपया सेंटर क्या सेंटर राइट पर सेंटर क्या अब राइट पे रहो सेंटर सेंटर और इधर रखो रुकना पहले विजुअल तो होने थे कौन है वो बाइट के लिए गाय कर बाकी सब उसके अंदर जाए बाकी फेस दिया थैंक यू ले बैग ले हाफ पैंट नहीं मेरे लिए थे बेटी ला अरे बेटी ला इधर मनीषा सेंटर मनीषा या मनीषा सेंटर इधर 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 एकदम सामने मनीषा मनीषा यहां पे थैंक यू मनीषा थोड़ा राइट थोड़ा सा आगे नेक्स्ट मार्क मार्क लगाया नहीं मार्क लगाया नहीं आपके साथ खड़े हो जाइए खाली आप सेंटर में आ जाइए सर थोड़ा सा यही हो सामने देखिए ना भाई
अरे मनोज तेरा साबुन सुखो है क्या? अपना स्टाफ चला रहा अलग से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ अलग अमीरी भाई अमीरी तेरे राजन को देखो सेंट्रल में देख लीजिए एक बार सेंटर में यहाँ सेंटर में सेंटर में संचित के बाद देखा ही नहीं आपने राजन को राजन बोला ये बाम सामने ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू सेंटर अरे भाई एक दिन करेगा अरे मैं नहीं करना चाह रहा था वो किसान कर रहा है कोई भी करेगा ना तो लफड़ा अपने को करना पड़ेगा ना भाई सर मिले ही मिलेगा जाने के लिए हटाने सर जगह नहीं मिलेगा पूरा जाम है लाइट वाइट है हेलो फिर सेंटर अच्छा बोला क्या बोला अलूपू अरे तू वही जाके आया इतना भी नहीं सीखेगा अलूपू आपका सोलो चाहिए सर इधर सेंटर में बस सर सेंटर में सर राजन को देखो और कहाँ पर भाई वो कहाँ से है राजा भाई मेरा भी नोट कर दो राजा भाई नोट करो राजा भाई काटने भाई बैठना मार के भाई अरे मार लिया तो मार के बैठ जाओ भी मार लेंगे ना मार लिया ठीक है बैठ जाओ ये क्या है थैंक यू राजा मिला क्या नहीं यार थैंक यू सर अभी गिर गया नहीं पूरा बच्चे ने किधर हटाना जल्दी करो आराम से आराम से चलो रोल ट्रेलर आ चुका है तो बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं आप लोग सफेद को लेकर हम पहले भी सफेद को लेकर मिल चुके हैं ना अब हम ट्रेलर आ चुका है कि आप इसके यहां चाहिए आप इस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग मैंने पहले भी बोला था दिस इज़ वन मूवी विच नीड्स इमेंस मीडिया सपोर्ट बिकॉज एक छोटी सी कोशिश की है छोटी सी मूवी बनाई है आप लोगों को देख के सबसे ज़्यादा खुशी हुई ऑनेस्टली अभी आई एम एक्चुअली मोस्ट एक्साइटेड अबाउट पीपल गोइंग कमिंग बैक एंड नोइंग वॉट दे
वॉन्ट से अबाउट द फिल्म. मुझे लोगों का ओपिनियन जानना है क्योंकि हमने एक बहुत छोटी सी स्क्रीनिंग करी थी अपने दोस्तों के लिए 2-3 महीने पहले, तो बहुत डिफरेंट व्यूज़ आए थे. कई लोग बीच में से उठ के चले गए थे, कई लोगों ने रोना शुरू कर दिया था, कई लोग बहुत किसी से बात किए बिना वापस चले गए थे. सो आई वॉन्ट टू नो द रिएक्शन ऑफ द पीपल. दैट्स या आई थिंक जिन लोगों के लिए बनाई है फिल्म, मोस्टली वो लोग यहाँ पर आज होंगे. एंड जिस चीज़ के रिजल्ट के लिए हम 2 साल मेहनत करते हैं, जो 250-300 लोगों की एक टीम है जो एक साथ जुड़ के एक किसी क्रिएटिव काम पे लगती है और उसको एक अंजाम पे लाती है, आई थिंक आज वो एक पहला पड़ाव है. तो आई एम वेरी नर्वस एक्चुअली, दिस माय फर्स्ट स्क्रीनिंग ऑफ माय फर्स्ट फिल्म. एक्चुअली आके बोल रहा था मैं, बहुत नर्वस हूँ. तो आई एम वेरी नर्वस, बट यस, नर्वस इन अ गुड वे. लेट्स सी. आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह का आपका लुक है फिल्म में, काफी चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना चैलेंजिंग रहा? फॉर एन एक्टर द मोस्ट नो फॉर एन एक्ट्रेस द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इज टू गो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा विदाउट मेकअप एंड हेयर ड्रेसर. वो सबसे चैलेंजिंग चीज़ होती है. शायद हम लोग नहीं करते, हम लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं अपनी लुक को लेकर. जब मैंने ये मूवी शुरू करी थी तो मुझे याद है मैंने चुपके से थोड़ा सा बेस लगा लिया था और संदीप को पता चल गया था. सो ही टोल्ड मी जाओ और मुँह धो के आओ. सो आई वेंट, आई वॉश्ड माई फेस, ही मेड मी सिट, ही कट माई नेल्स, आड़े टेढ़े शेप में उन्होंने मेरे नेल्स काटे. तो वो एक बहुत ही रिफ्रेशिंगली नाइस चीज़ थी, बिकॉज सुबह उठ के मुझे 2 घंटे मेकअप हेयर में ख़राब नहीं करने पड़ते थे. मैं उठती थी, मैं मुँह धोती थी, मैं साड़ी पहनती थी और मैं शूटिंग पर चली जाती थी. आई थिंक दैट होल एक्सपीरियंस मेड मी एंटर काली इन अ मच ईजियर वे. मैंने बिग बॉस का सिर्फ फर्स्ट जब ग्रैंड फिनाले फर्स्ट एपिसोड जब सारे एंटर किए थे तब देखा था. उसके बाद मैं देख नहीं पाई हूँ बिग बॉस. मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है वो शो. I don't like it when people fight so much. मैं खुद बहुत अफेक्ट हो जाती हूँ उसको लेके. But I want Manara to win. She has to win. There's no other option with her. उनके दोस्त अंदर है, मुनावर है और काफ़ी अच्छी दोस्ती दिखाई दे रही है, प्यार भी दिखाई दे रहा है, तो कुछ क्या कहना चाहिए? वो मेरे को पता नहीं. I have no idea क्योंकि मैंने देखा नहीं है. तो आप जाना पसंद करेंगे, मतलब प्रमोशन के लिए, फिल्म के लिए? ऑफकोर्स ज़रूर जाना पसंद करेंगे, बट मुझे लगता है सफ़ेद ऐसी पिक्चर नहीं है जिसको बिग बॉस में जाके हमें प्रमोट करना चाहिए. बिकॉज हमने एक बहुत ही मीनिंगफुल सीरियस सिनेमा बनाया है, तो हम चाहेंगे कि हम वैसे ही प्लेटफॉर्म्स में जाके उसे प्रमोट करें जिसका वाइब वैसा सेम होता है. सो बिग बॉस इज़ नॉट सफ़ेद टाइप्स. फेवरेट कलर? आई थिंक आज सफ़ेद बोलना पड़ेगा. आई लाइक दैट. नहीं नहीं, सफ़ेद एक ऐसा रंग है जिसके अंदर 7 रंग समाए होते हैं. तो अगर वो प्रिज्म जो होता है ना, अगर उसके अंदर से सफ़ेद लाइट अगर पास करें ना, तो पता चलता है कि उस सफ़ेद में ही 7 रंग है. तो बस उस सफ़ेद का एक छोटा सा रंग आज मैंने पहना. सफ़ेद बहुत बड़ी चीज़ है, बस मैंने एक छोटा सा एक चीज़. पिंक. अच्छा, ये मैडम का एक सवाल है. हाँ जी. चांदी का डायलॉग है, बहुत ही या उस डायलॉग में काफ़ी चर्चा हुई थी बोलने से पहले और हमें पता था बोलने के बाद भी काफ़ी चर्चा होगी. चांदी इज योर डायलॉग. या आई थिंक जो भी कहा जाता है फिल्म में और स्पेशली इस फिल्म में, क्योंकि इस फिल्म के बोली बहुत कम है, तो हर चीज़ का एक बहुत गहरा मीनिंग है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उस मीनिंग को पहले पूरी तरह जान लें, पहले पूरी तरह फिल्म देख लें, फिर उसके बाद आई थिंक वो आधे सवाल के जवाब तो वैसे ही हमें मिल जाएंगे. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसका जो उसके बारे में हम बाद में अच्छे से बात करेंगे, पहले वो फिल्म देख लेते हैं. मुझे लगता है ये सवाल पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज, जोरदार एक्शन सीन देख झूम उठे फैंस. रोहित शेट्टी की एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. सीरीज के कलाकारों का लुक जारी होने के बाद मेकर्स ने फैंस को खास ऑफर देते हुए हाल ही में इसका टीजर भी रिलीज कर दिया था. टीजर को देख फैंस का उत्साह तो सातवें आसमान पर है. अब मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है.
रोहित शेट्टी बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्म निर्माताओं में से एक है। वो सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। निर्देशक अब सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय अभिनीत एक्शन कॉप वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के साथ OTT में अपना कदम रख रहे हैं। हाल ही में इसके निर्माताओं ने इसका बहुप्रतीक्षित ट्रेलर इंटरनेट पर जारी किया है। इंडियन पुलिस फोर्स का ये ट्रेलर रोमांचक संवादों और एक्शन से भरपूर दृश्यों से भरा है, जिसमें अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय शामिल है। ये दिल्ली के 3 पुलिसकर्मियों की कहानी है जो शक्तिशाली आपराधिक ताकतों के साथ आमने सामने है। ट्रेलर में रोहित शेट्टी के ट्रेडमार्क कारों के दुर्घटनाग्रस्त होने और हवा में उड़ने के साथ साथ गोलियों की ताबड़तोड़ बारिश है और तड़तड़ाहट की सीन भी है। कुल मिलाकर ये ट्रेलर दर्शकों में उत्साह पैदा करने में कामयाब है। इंडियन पुलिस फोर्स का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर विशेष रूप से होने वाला है। सिद्धार्थ की आखिरी फिल्म रश्मिका मंदाना के साथ जासूसी थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू थी। फिल्म को मिले जुली आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। इंडियन पुलिस फोर्स के अलावा वो अगली बार राशि खन्ना और दिशा पाटनी के साथ योद्धा में दिखाई देंगे। ये फिल्म इसी साल मार्च में रिलीज होगी। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वहीं शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबेरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है। शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबेरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकार भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश
की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर कांप मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकर टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को Amazon प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज, जोरदार एक्शन सीन देख झूम उठे फैंस। रोहित शेट्टी की एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। सीरीज के कलाकारों का लुक जारी होने के बाद मेकर्स ने फैंस को खास ऑफर देते हुए हाल ही में इसका टीजर भी रिलीज कर दिया था। टीजर को देख फैंस का उत्साह तो सातवें आसमान पर है। अब मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। रोहित शेट्टी बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्म निर्माताओं में से एक है। वो सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी जैसी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। निर्देशक अब सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय अभिनीत एक्शन कॉप वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के साथ OTT में अपना कदम रख रहे हैं। हाल ही में इसके निर्माताओं ने इसका बहुप्रतीक्षित ट्रेलर इंटरनेट पर जारी किया है। इंडियन पुलिस फोर्स का ये ट्रेलर रोमांचक संवादों और एक्शन से भरपूर दृश्यों से भरा है जिसमें अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय शामिल है। ये दिल्ली के 3 पुलिस कर्मियों की कहानी है जो शक्तिशाली आपराधिक ताकतों के साथ आमने सामने है। ट्रेलर में रोहित शेट्टी के ट्रेडमार्क कारों के दुर्घटनाग्रस्त होने और हवा में उड़ने के साथ साथ गोलियों की ताबड़तोड़ बारिश है और तड़तड़ाहट की सीन भी है। कुल मिलाकर ये ट्रेलर दर्शकों में उत्साह पैदा करने में कामयाब है। इंडियन पुलिस फोर्स का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर विशेष रूप से होने वाला है। सिद्धार्थ की आखिरी फिल्म रश्मिका मंदाना के साथ जासूसी थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू थी। फिल्म को मिले जुली आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। इंडियन पुलिस फोर्स के अलावा वो अगली बार राशि खन्ना और दिशा पाटनी के साथ योद्धा में दिखाई देंगे। ये फिल्म इसी साल मार्च में रिलीज होगी। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर संघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी
बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वही शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है। शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकार भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर काम मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकर टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज, जोरदार एक्शन सीन देख झूम उठे फैंस। रोहित शेट्टी की एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। सीरीज के कलाकारों का लुक जारी होने के बाद मेकर्स ने फैंस को खास ऑफर देते हुए हाल ही में इसका टीजर भी रिलीज कर दिया था। टीजर को देख फैंस का उत्साह तो सातवें आसमान पर है। अब मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। रोहित शेट्टी बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्म निर्माताओं में से एक है। वो सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी जैसी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। निर्देशक अब सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय अभिनीत एक्शन कॉप वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के साथ OTT में अपना कदम रख रहे हैं। हाल ही में इसके निर्माताओं ने इसका बहुप्रतीक्षित ट्रेलर इंटरनेट पर जारी किया है।
इंडियन पुलिस फोर्स का ये ट्रेलर रोमांचक संवादों और एक्शन से भरपूर दृश्यों से भरा है, जिसमें अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय शामिल है। ये दिल्ली के 3 पुलिस कर्मियों की कहानी है जो शक्तिशाली आपराधिक ताकतों के साथ आमने सामने है। ट्रेलर में रोहित शेट्टी के ट्रेडमार्क कारों के दुर्घटनाग्रस्त होने और हवा में उड़ने के साथ साथ गोलियों की ताबड़तोड़ बारिश है और तड़तड़ाहट की सीन भी है। कुल मिलाकर ये ट्रेलर दर्शकों में उत्साह पैदा करने में कामयाब है। इंडियन पुलिस फोर्स का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर विशेष रूप से होने वाला है। सिद्धार्थ की आखिरी फिल्म रश्मिका मंदाना के साथ जासूसी थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू थी। फिल्म को मिले जुली आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। इंडियन पुलिस फोर्स के अलावा वो अगली बार राशि खन्ना और दिशा पाटनी के साथ योद्धा में दिखाई देंगे। ये फिल्म इसी साल मार्च में रिलीज होगी। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी ओटीटी में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर संगम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वही शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबेरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है। शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबेरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकार भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो ओटीटी पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय ओटीटी पर डेब्यू करने जा रहे हैं और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर काम मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारे हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम
खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकर टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है। विनोद लेफ्ट में देखिए भाई, इधर आ जाइए सर, लेफ्ट में सर, सेंटर में आ जाइए सर, इधर सेंटर पे आ जाइए, सेकंड मार्क हो गया, उधर हो गया काम करने का। आइए सर, आइए सेंटर पे, आइए इधर एक स्टेप ऊपर, ऊपर और ऊपर सर, यहाँ पे देखिए, इधर सेंटर में देखिए, अभी राइट इनका पूरा ही नहीं हो पाया सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ लेफ्ट में देखिए भाई, सेंटर में देखिए, हाँ देखते रहिए, थैंक यू, थैंक यू, सेकंड मार्क सेंटर पे, सेंटर पे सर, लेफ्ट से स्टार्ट करिए सर, सेकंड मार्क सर, लेफ्ट से स्टार्ट करिए, होल्ड 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 सर, क्या बात है, सेंटर पे, सेंटर सर, सेंटर सर, सेंटर पे आ जाइए सर, सेंटर पे आ जाइए सेंटर, हाँ सर, हाँ सर, सेंटर, हाँ जी, सर राइट में, राइट में देखिए सर, सर राइट में, सर आपके राइट में, सर राइट सेंटर, सर राइट में, क्या बात, क्या बात, हाँ ठीक है यहीं पे, आप पे आ जाइए, पीछे उठो ना, ये उदय, अरिंदर, एक झाड़ दे बच्चे को, वो बच्चे झाड़ गाड़ी है, वो जीप है, एक बड़ी जीप है ना उधर, उसमें एक पॉट है देना उसके, उसको बोलना है देने के लिए आएगा, उसको बोल डालिंग वॉचमैन, अरे वो बॉडी, तू बोल, वो गाड़ी है ना, वो जीप, वो डब्बा दिख रहा है ना सामने, सामने सामने, इसका नाम है सामने, हेलो हो गया, चल बाओ पार्टी पे जाओगे नहीं, हाँ उसको भी ले जाओ साथ में सर, क्या बात है, क्या बात है, बच्चे का हाथ में, तो बच्चे के हाथ में, हाँ क्या बात है, क्या बात है, बच्चे का वेट वेट सर, थैंक यू,
जैसे कि आपने वीडियो देखी कल रिलीज हुई है और मैंने खुद पहली बार देखी कल क्योंकि शूट करके तो बहुत मज़ा आया था और निया हैज बीन एन अमेजिंग को एक्टर बहुत बहुत मज़ा आया शूट करके और मोहम्मद सर की जो आवाज़ है वो तो सबको पता ही है उनके हम सब फैन हैं तो जो पूरा जो मिक्स होके गाना जो आउटपुट निकला आई थिंक बहुत अच्छा निकला है बाकी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं बहुत सारे व्यूज़ एकदम बढ़ रहे हैं तो बस पार्ट टू की वेट कर रहे हैं अभी कब आएगा बताइए सर आप क्या कुछ कहेंगे Yeah, मतलब it was amazing working with everyone. With Rohan, obviously, I've seen him working, so he's amazing actor. And my favorite part is Mohammad Irfan's voice and Sanjeev sir's composition. It's brilliant and that takes the song to another level. So yeah, for me, it's like I really enjoyed working with Rohan. So yeah, I'm just hoping that people give us more love and support. That's all. मैं बस थैंक यू बोलना चाहूँगा सबको आप सबको थैंक यू फॉर कमिंग हियर थैंक यू संजीव जी के इतना खूबसूरत गाना आपने बनाया और मुझे इस गाने के लिए बुलाया थैंक यू निया थैंक यू रोहन के इतना प्यारा गाना बनाया वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है आई एम रियली सॉरी मैं अभी देखूँगा आज देखूँगा मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला बट द रशेस तो मैंने देखे इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि इस गाने को बहुत सारा प्यार मिले अगर बात करूँ शूटिंग के दौरान की कोई एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें कोई याद है अगर बताओ नहीं I though had Actually, fun, हाँ मुझे याद है बहुत फनी जो इंसिडेंट हुआ था तो हमें हम बाहर जब काउच पे बैठे थे तो हमें से आग करना था कि बहुत हम ठंड में हैं कोजी हो रहे हैं और ब्लैंकेट हमारे ऊपर एक ओढ़ दिया गया था बट उस दिन सुबह सुबह इतनी गर्मी थी तो हम लोग वी वर स्वेटिंग एंड ऑल और कॉफ़ी भी पीनी थी हमें मैं कॉफ़ी भी बना रहा था गर्म कॉफ़ी तो वो काफ़ी फन था और लाइक वी हैड टू प्रिटेंड कि बहुत ठंड है बाहर एंड वी वर एक्चुअली स्वेटिंग सो या वो काफ़ी फनी था एंड वन मोर पार्ट व्हिच आई वांट टू डिस्कस व्हेन वी वर डूइंग द कार सीन व्हाइल ड्राइविंग वो इट वाज अ स्ट्रगल फॉर स्ट्रगल या या क्योंकि हम वहां पे एक नैरो सी जगह थी और मुझे इनको देखना भी था एक्ट भी करना था डर लग रहा था कि गाड़ी इधर ना हो जाए पुरानी जीप थी हां बट आई फील यू नो ओवरऑल द एंटायर टीम वाज ग्रेट डायरेक्टर सर आनंद सर डिड ग्रेट जॉब मिस यू आनंद सर वी मिस यू या सर इज नॉट वेल सो दैट्स व्हाई ही इज नॉट हियर But yeah, we miss him and the way director sir and DOP sir created the entire video, it came out so well. And the team was like so peaceful and chilled out. We didn't even feel that we were working. It was like we are like chilling. Dance sequence was also amazing. Amazing, yeah. Pura, इन्होंने ही choreography की थी उस गाने की, उस dance sequence की. Yeah. So I think she's multi-talented. और singing में भी आप ये जो लेजेंड्स बैठे हुए इनके सामने मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी सिंगिंग के बारे में सो या दैट वाज आवर एक्सपीरियंस आई थिंक मैम गाने नजर आते रहते हैं कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स पे गाने में मिलते हैं लेकिन इस गाने में ऐसा क्या जो बाकी गाने से इसको अलग बनाता है आई थिंक द बेस्ट पर्सन टू आंसर वुड बी संजीव जी जो ही इज द कंपोजर लिरिसिस्ट ऑफ दिस सॉन्ग उन्होंने क्रिएट किया इस गाने को सो संजीव जी बताइए एक्चुअली क्या होता है ना गीत अकेला आदमी बैठ के बना सकता है पर संगीत जो संगत में बैठ के बनता है एंड संगीत की फुल फॉर्म ये होती है संग बैठ के गीत बनाना दैट इज़ कॉल्ड संगीत एंड आपके दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा कि गीत हर आदमी अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करता है ये किसी कवि की कल्पना होती है तो इसीलिए कविता की फुल फॉर्म भी ऐसी होती है कल्पना विचार और तालमेल का भी था तो इस गाने में हम तुकबंदी से अलग हटके थॉट हमने बनाया मेरी आँख है नम लड़खड़ाए हैं कदम तुझे मेरी है कसम लौट आ ये जुदाई का सितम तोड़ देगा मेरा दम तुझे मेरी है कसम लौट आ कि तेरे बिना जीना बेईमानी
कर दे तू मेहरबानी कि लौट के तू आ जा मेरी जान। इतनी सिंपल हमिंग है, आप लोग जो सुनोगे इसको ईजिली गा पाओगे। एंड मोस्टली गीत या संगीत वो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है जिसको वो बहुत ईजिली गुनगुना सके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे गीत ऐसे संगीत की तरफ मैं चलूँ कि लेमैन भी उसको बहुत ईजिली गा सके। हालांकि गीत बहुत बड़ी चीज़ है एंड मोहम्मद इरफान इज़ एन अमेजिंग सिंगर। अमेजिंग मतलब आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग बहुत छोटा वर्ड है उनके लिए। जब ये गाना गाते हैं तो होता, कई बार ऐसा होता है जब संगीतकार गाना गीत बना के लेके जाता है तो कंपोज़र उसको चार चांद लगाता है, तो इन्होंने उसमें वो काम किया। एंड मैं कंपोज़र के साथ साथ बिग फैन ऑफ हिम। एंड रोहन ने निया ने बहुत अच्छा इस वीडियो को किया है, डायरेक्टर साहब आनंद साहब ने बहुत अच्छा वीडियो, ओवरऑल हर पिलर जो है ने अपनी एक वैल्यू रखता है, तो सब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड आप सबसे भी ये किया है कि प्लीज़ इस गाने को और थोड़ा सपोर्ट करना। मीडिया है ना, अगर सपोर्ट करती है तो गाना बहुत बड़ा बनता है। आपका हाथ जो है ना, आपको पता नहीं भगवान के हाथ जैसा होता है, अगर पुश कर दे तो गिरा दे, पुश कर दे तो उठा दे, तो प्लीज पुश फॉर अपवर्ड। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सॉन्ग इज दैट इट्स वेरी रिलेटेबल, ये सब लोग रिलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा यू नो इमोशनल भी है और हार्ट ब्रेक पे भी है। हमारी स्टोरी अलग थी कि मैं आर्मी में होता वो है कि मतलब आई एम नो मोर इन द स्टोरी, वो अलग चीज़ थी। बट अदरवाइज यू नो लोगों के आजकल ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सब लोग रिलेट कर सकते हैं। और बहुत ही सूदिंग लिरिक्स भी है उसके, और आवाज़ तो है। और नॉट टू फॉरगेट हितेश एंड संदीप जी, जिन्होंने यू नो कास्टिंग से लेके लाइन प्रोडक्शन तक किया, बहुत बड़ा इनका भी हाथ है पूरे गाने की। सो या थैंक यू सो मच। ज्यादा रिवील सब लोग बैठे हैं कॉन्फ्रेंस है, देखना था वीडियो इसकी। अभी हम दिखाएंगे आपको सबके सामने, मतलब सॉरी रिवील हो गई। सब लोग बैठे हैं और कुछ सिंगर यहां इस टाइम प्रेजेंट हैं, तो आई वुड लव टू रिक्वेस्ट टू मोहम्मद भाई टू सिंग प्लीज सर प्लीज। और हम एक्टिंग करते सर, आई विल प्रोग्रेस 12-15 दिन से ट्रैवल करके आया हूं, सो आई विल ट्राई, आई विल ट्राई। मेरा गला ठीक नहीं है उतना, बट फैमिली फैंस तो गाने में इतना सारा और भी आगे प्यार देंगे। प्लीज़ हमारा नया गाना मेहरबानी रिलीज़ हुआ है, इसको बहुत सारा प्यार दीजिए। प्लीज़ लिसन टू द सॉन्ग एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई होप यू ऑल लव दिस सॉन्ग एंड सेंड अस ऑल योर लव। बेनेडिक्शन फिल्म्स का ये गाना है, उस यूट्यूब चैनल का नाम है बेनेडिक्शन फिल्म्स, उस पर प्लीज़ जाइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और हमें प्लीज़ कमेंट्स में बहुत सारा प्यार भी दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। Thank you.
Thank you.
बेसब्री से इंतजार है। सीरीज के कलाकारों का लुक जारी होने के बाद मेकर्स ने फैंस को खास ऑफर देते हुए हाल ही में इसका टीजर भी रिलीज कर दिया था। टीजर को देख फैंस का उत्साह तो सातवें आसमान पर है। अब मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। रोहित शेट्टी बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्म निर्माताओं में से एक है। वो सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। निर्देशक अब सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय अभिनीत एक्शन कॉप वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के साथ OTT में अपना कदम रख रहे हैं। हाल ही में इसके निर्माताओं ने इसका बहुप्रतीक्षित ट्रेलर इंटरनेट पर जारी किया है। इंडियन पुलिस फोर्स का ये ट्रेलर रोमांचक संवादों और एक्शन से भरपूर दृश्य से भरा है जिसमें अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय शामिल है। ये दिल्ली के 3 पुलिस कर्मियों की कहानी है जो शक्तिशाली आपराधिक ताकतों के साथ आमने सामने है। ट्रेलर में रोहित शेट्टी के ट्रेडमार्क कारों के दुर्घटनाग्रस्त होने और हवा में उड़ने के साथ साथ गोलियों की ताबड़तोड़ बारिश है और तड़तड़ाहट की सीन भी है। कुल मिलाकर ये ट्रेलर दर्शकों में उत्साह पैदा करने में कामयाब है। इंडियन पुलिस फोर्स का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर विशेष रूप से होने वाला है। सिद्धार्थ की आखिरी फिल्म रश्मिका मंदाना के साथ जासूसी थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू थी। फिल्म को मिले जुली आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। इंडियन पुलिस फोर्स के अलावा वो अगली बार राशि खन्ना और दिशा पाटनी के साथ योद्धा में दिखाई देंगे। ये फिल्म इसी साल मार्च में रिलीज होगी। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वही शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबेरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है। शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबेरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकार भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में
मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर काम मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारी हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकर टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को Amazon प्राइम वीडियो पर होने वाला है। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज, जोरदार एक्शन सीन देख झूम उठे फैंस। रोहित शेट्टी की एक्शन सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। सीरीज के कलाकारों का लुक जारी होने के बाद मेकर्स ने फैंस को खास ऑफर देते हुए हाल ही में इसका टीजर भी रिलीज कर दिया था। टीजर को देख फैंस का उत्साह तो सातवें आसमान पर है। अब मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। रोहित शेट्टी बॉलीवुड के सबसे सफल फिल्म निर्माताओं में से एक है। वो सिम्बा सिंघम और सूर्यवंशी जैसी हाई ऑक्टेन एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। निर्देशक अब सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय अभिनीत एक्शन कॉप वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के साथ OTT में अपना कदम रख रहे हैं। हाल ही में इसके निर्माताओं ने इसका बहुप्रतीक्षित ट्रेलर इंटरनेट पर जारी किया है। इंडियन पुलिस फोर्स का ये ट्रेलर रोमांचक संवादों और एक्शन से भरपूर दृश्यों से भरा है, जिसमें अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय शामिल है। ये दिल्ली के 3 पुलिसकर्मियों की कहानी है जो शक्तिशाली आपराधिक ताकतों के साथ आमने सामने है। ट्रेलर में रोहित शेट्टी के ट्रेडमार्क कारों के दुर्घटनाग्रस्त होने और हवा में उड़ने के साथ साथ गोलियों की ताबड़तोड़ बारिश है और तड़तड़ाहट की सीन भी है। कुल मिलाकर ये ट्रेलर दर्शकों में उत्साह पैदा करने में कामयाब है। इंडियन पुलिस फोर्स का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर विशेष रूप से होने वाला है। सिद्धार्थ की आखिरी फिल्म रश्मिका मंदाना के साथ जासूसी थ्रिलर फिल्म मिशन मजनू थी। फिल्म को मिले जुली आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। इंडियन पुलिस फोर्स के अलावा वो अगली बार राशि खन्ना और दिशा पाटनी के साथ योद्धा में दिखाई देंगे। ये फिल्म इसी साल मार्च में रिलीज होगी। कॉप यूनिवर्स में सिद्धार्थ संग दिल्ली पुलिस की धमाकेदार एंट्री। रिलीज हुआ ट्रेलर। एक लंबे समय से फैंस सिद्धार्थ मल्होत्रा की पहली सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के ट्रेलर के इंतजार में बैठे हुए थे। रोहित शेट्टी की डेब्यू सीरीज में सिद्धार्थ मल्होत्रा पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं। खैर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर इस वेब सीरीज को फैंस के बीच अभी OTT में आने के लिए थोड़ा समय बचा हुआ है, लेकिन प्रशंसकों की बेकरारी को बरकरार रखने के लिए मेकर्स ने इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसमें रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों की तरह ही भरपूर एक्शन डाला है। आपको बता दें कि रोहित शेट्टी कॉप्स यूनिवर्स पर संगम
सिम्बा, सूर्यवंशी और इस जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो OTT प्लेटफॉर्म पर सीरीज के माध्यम से दर्शकों के बीच पुलिस अधिकारियों की क्रिमिनल्स को पकड़ने की दिन रात मेहनत को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स का ये 3 मिनट का ट्रेलर काफी धमाकेदार है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के खेलने नहीं खेल खत्म करने और खून किसी का भी बहे आंसू माँ के निकलते हैं और दिल्ली का लौंडा जैसे दमदार डायलॉग्स आपका दिल जीत लेंगे। वही शिल्पा शेट्टी और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच की जुगलबंदी देखने के बाद आप बस देखते ही रह जाएंगे। इंडियन पुलिस फोर्स में सिद्धार्थ, शिल्पा और विवेक ओबरॉय का दमदार एक्शन भी देखने को मिल रहा है। रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्मों के जरिए अब तक महाराष्ट्र पुलिस को हीरो के रूप में पर्दे पर दर्शाया है, लेकिन ये पहली बार है जब वो दिल्ली पुलिस की कहानी को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अपने डेब्यू सीरीज में रोहित शेट्टी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि उनकी फिल्मों के फ्लेवर यानी कि एक्शन और गाड़ी उड़ाना दर्शक वेब सीरीज में भी कहीं मिस न करे। रोहित शेट्टी और सुशांत प्रकाश के निर्देशन में बनी इस सीरीज के एक छोटे से ट्रेलर ने फैंस के बीच बेचैनी और भी बढ़ा दिया है। शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय के अलावा इस वेब सीरीज में शरद तेलकार भी नजर आ रहे हैं। इंडियन पुलिस फोर्स 19 जनवरी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम की जाएगी। इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर आउट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय ने कमाल कर दिया। आखिरकार रोहित शेट्टी की धाकड़ फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो OTT पर धमाका करने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस फिल्म से सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय OTT पर डेब्यू करने जा रहे हैं और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि यकीनन वो तहलका मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस फिल्म में मसाला एक्शन ड्रामा सब कुछ है। 3 मिनट 2 सेकंड की इस ट्रेलर में वो सब कुछ नजर आ रहा है जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधने का दम रखती है। इस ट्रेलर की शुरुआत होती है दिल्ली के पार्लियामेंट में हुए बम धमाके वाले सीन से, जहां आग का गोला नजर आ रहा है। यहां से शुरू होती है दिल्ली पुलिस की जंग और उसकी शुरुआत। इस ट्रेलर में देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक सुरक्षा वाली जगह पार्लियामेंट हाउस के पास दिखाए हमले ने सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस में हर काम मच जाता है। इस ट्रेलर की शुरुआत में कहा जा रहा है कि आज जो हुआ है हमला किसी मार्केट पर नहीं, हमारे हिम्मत हमारे जज्बे पर हुआ है। सांप हमारे से खेलना चाहता है पर हम खेलते नहीं, दिल्ली पुलिस खेल खत्म करती है। आखिरकार दिल्ली पुलिस से लेकर इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठती है और फिर शुरू होती है अपराधियों के जड़ से दबोचने की जंग। ट्रेलर में शिल्पा शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की सीनियर ऑफिसर के रोल में है और काफी दमदार नजर आई है। ट्रेलर के एक सीन में शिल्पा सिद्धार्थ मल्होत्रा से पूछताछ करते हुए बताती है कि उनके बारे में जो सुना है वो कुछ अच्छा नहीं। हालांकि सिद्धार्थ साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि वो इस सिस्टम के सबसे शानदार सिपाही है। आखिरकार यही टीम दिल्ली पुलिस को भी धाकर टीम बना जाती है। वो बम धमाका करने वालों को ढूंढ निकालने में जी जान लगा देती है। जवाब पुलिस ऑफिसर्स की कहानियों पर सिम्बा, सिंघम और सूर्यवंशी जैसी शानदार एक्शन फिल्में बना चुके रोहित शेट्टी इस बार इंडियन पुलिस फोर्स की कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जज्बे सिपाहियों की, जो अपराधियों और आतंकियों के जड़ों तक पहुंचने के लिए अपनी जान का बाजी लगा देते हैं। बता दें कि इस फिल्म का प्रीमियर 19 जनवरी 2024 को अमेज़न प्राइम वीडियो पर होने वाला है।